हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 7 सितंबर और आज एनटीए ने जो नोटिस जारी किया था उसके हिसाब से आज रिजल्ट जो घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं, मद्रास हाईकोर्ट वाला जो केस है उसमें क्या हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसका भी हम देखते हैं, उसके वजह से क्या देरी हो सकती है, क्योंकि वो नेक्स्ट डेट जो दिया है 13 को दिया है और बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट जो है बहुत डरे हुए हैं रिजल्ट से पहले, तो उस पर भी एक बार हम देखते हैं। दोस्तों आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट एसी ऑर्डर टू एनटीए प्रोड्यूस ओरिजिनल ओएमआर सीट ऑफ चेन्नई बेस्ड नीट कैंडिडेट। तो ये कल जो सुनवाई हुई है उसमें ये बोला है एनटीए को कि आप जो इस कैंडिडेट का ओरिजिनल ओएमआर सीट दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, एनटीए ने क्या पक्ष रखा, देखिए आप ये डीटी नेक्स्ट में छापा है और यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ लिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ देखिए हाउएवर एनटीए स्टैंडिंग काउंसिल इन्फॉर्म दैट द कोर्ट दैट नीट रिजल्ट विल बी रिलीज ऑन 7 सितंबर एंड साउट एडजॉर्नमेंट ऑफ द केस टू द सम अदर डेट। तो यहाँ एनटीए अलग अलग डेट के लिए बोला कि हाँ एक और डेट दे दिया है आगे, क्योंकि 7 को रिजल्ट देना है, लेकिन जज जो है द जज रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ एनटीए एंड डायरेक्टेड द एजेंसी टू फर्निश द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द स्टैंड ऑन सितंबर 13। तो अब इसमें जज ने ये बोला है उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया एनटीए के और ये डायरेक्ट किया एजेंसी को कि ओरिजिनल कॉपी जो है ओएमआर स्टैंड का वो आपको जमा करना है 13 सितंबर को कोर्ट में, तो 13 सितंबर को सुनवाई है। इसके वजह से हो सकता है आज एनटीए रिजल्ट जारी न करे, मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही न्यूज पेपर या वो कुछ भी छाप रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा हुआ यहाँ दोस्तों। और ये देखिए, ये देखिए इंडिया टुडे भी छापता है नीट ट्रांसपेरेंट क्लेम हर आंसर सीट वाज स्वैप फाइल्स प्ली इन मद्रास हाई कोर्ट। तो आंसर सीट जो है वो स्वैप कर दिया का, बच्चे का जो नंबर है वो करके आई थी, वो ये भी कोर्ट में बोली है कि हमारा थंब इम्प्रेशन देखिए, ओएमआर में हमने 167 क्वेश्चन किया था, इसके हिसाब से 60 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप ओरिजिनल मंगाइए और थंब इम्प्रेशन चेक कीजिए, वहाँ आपको गलती मिलेगा। और इसी बात पे कोर्ट ने एनटीए को ओरिजिनल कॉपी की मांग कर दी और ओरिजिनल लेके जाना है 13 सितंबर को, इसके वजह से रियलिटी में हो सकती है देरी। ये देखिए आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया और जो बोल रहे हैं कि आज रियलिटी हो सकती है क्लियर, तो देखते हैं क्या करता है, क्या हाई कोर्ट की वजह से देरी होती है। अब रहा बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट, बिल्कुल डरे नहीं, देखिए 2020 से कटा जो रैंक है आपका उससे ऊपर नहीं जाएगा, मैंने आपको बोला हुआ है, विश्वास रखिए, ठीक है ना। उस समय ईजी पेपर था, अब पेपर का टफनेस देखिए, एक तो बोनस ऑन मार्क्स नहीं मिला है अभी तक, और तो इसलिए आप कोई पोस्ट डाल देता है कुछ भी उस पर फालतू का, मतलब अपना दिमाग कैंसर में ना लाए, वो इतना दिन तक कहाँ था, जब तक कट ऑफ ऐसा पूरी रैंक को जब प्रिडिक्ट किया तो वैसे करना चाहिए था, कभी तो कुछ बोलेगा कि 20-21 को फॉलो करेगा ये, मतलब कुछ भी इनको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। आप तुक्का लगाते रहो, एक बार तुक्का सही हो गया, दो बार तुक्का और सही हो गया, ज़्यादा बोलते रहो कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसे थोड़ी होता है, डाटा क्या कहता है वो बोलो ना। और 18 लाख के बच्चे का किसी के पास डाटा है क्या, तो डरे नहीं, सारे जितने भी हैं 99% सारे आपको ये बता रहे हैं ना कि कट ऑफ कम होगा, तो विश्वास रखिए, ठीक है ना, कट ऑफ कम होगा, सीट की वजह से कम होगा, ज़्यादा ज़्यादा रैंक वही रहेगा लेकिन सीटें इतनी बढ़ गई कि कम हो जाएगा पास मार्क्स, तो टेंशन मत ले, यही है। और चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, बाय।